अलीपुरा थाना क्षेत्र में रविवार को हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में मासूम बच्चे सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में फंसे मृतक और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित कुल पाँच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलीपुरा थाना प्रभारी प्रमोद रोहित ने बताया कि बड़ागांव के समीप शिव शक्ति ढाबा के सामने फोरलेन पर हरियाणा से कूलर लेकर जबलपुर जा रहा कंटेनर ट्रक खड़ा था। इसी दौरान झांसी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही अल्टो 800 कार क्रमांक UP95L3981 अनियंत्रित होकर कंटेनर में जा घुसी। कार में सवार अहिरवार परिवार ओरछा धाम से दर्शन कर वापस अपने घर लवकुशंग वापस लौट रहा था। जब तक कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया तब तक 10 वर्षीय दीपू अहिरवार और 45 वर्षीय हरिकिशन अहिरवार की मौत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त अहिरवार परिवार की दीपा, राखी, पाना, लाल सिंह और त्रिलोक बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और डायल्सों की मदद से नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया। नौगांव में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाने में रखवा कर विवेचना शुरू की है। जी, बड़ा गांव में सूचना आई थी कि एक खड़ा हुआ ट्रक था, बड़ा ट्राला, उससे पीछे से आ रही अल्टो कार जो ओरछा से दर्शन करके आ रहे थे, सभी लवकुश नगर के रहने वाले थे, पीछे से आकर टकरा गई थी, जिसमें सभी घायल हुए थे। मौके पर तत्काल पहुंचकर एम्बुलेंस से नौगांव भिजवाया गया था, जिनमें पता चला है कि दो लोग मृत हो गए, एक बच्चा है और एक हरकिशन अहरवार करके हैं। कुल लगभग आठ लोग थे, जिनमें तीन बच्चे थे, महिलाएं थी तीन और पुरुष थे। तो सभी को रेफर कर दिया है अभी छतरपुर यहाँ से, और बाकी कार्रवाई की जा रही है मौके पर।